और भाई कैसे हो? हाँ, कैसी गुजर रही है फिर जिंदगी? गुड मॉर्निंग। चलो सारे 12 बजे और अच्छी से उड़ान करो। सर आओ, सारे आओ, कमान कमान कमान, जल्दी आओ। काफ़ी दिन बाद इनको सबको उड़ाऊंगा मैं। चलो जब तक बाहर निकलते हैं और को खेलते। और बताओ फिर, हैं कैसी गुजरी तुम्हारी रात? कैसा रहा पहला दिन? हाँ मज़ा आया फिर? नहीं है यार, मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। मुझे अपने डक के लिए कि प्यार से नाम रखना है। आप लोग मुझे कमेंट में गेस करें कि कौन सा नाम रखूँ। ये देखिए, इसका चेहरा देख के आप खुद बताएं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो कमेंट लाजमी करिएगा इसके नाम के लिए। यार छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, तो अभी इसकी सफ़ाई करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, साफ़ सफ़ाई हो चुकी है और सारे परिंदे अपने खाने में मसरूफ़ है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अभी नीचे चलते हैं, बाद में चक्कर लगाएंगे इनकी क्या सिचुएशन है। दोस्तों मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वो ये कि इन सब पेट्स के नाम रखने के लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनका नाम क्या रखें। इनका तो नाम मैंने सोचा हुआ है, बल्कि रखा हुआ अभी मैंने। इनका तो किंग और क्वीन है, आप सभी का पता ही है। और ये वाला जो हमारा है, इसका नाम मैंने सोचा है पतलू, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसे इसका पतलू रखते हैं। ये वाला और एक ये वाला और एक ग्रे वाला, इन तीनों का नाम जो मैंने सोचा है वो सोचा है तीन बदमाश, क्योंकि यार ये बदमाशी करते हैं, कबूतर को खाने नहीं देते, तो इसीलिए एक ये और एक वाला, इनके नाम मैंने तीन बदमाश रखा है। तो मुझे कमेंट बताएं कि तीन बदमाश नाम कैसा है इनका, और बाकी जो है इनके नाम मुझे आप ज़रूर बताने। दोस्तों आप लोगों को सबसे मुश्किल काम क्या लगता है ये पेट्स पालने में? मुझे लगता है जो सबसे मुश्किल काम वही है कि वो सफ़ाई करना। यार हालत ख़राब हो जाती है सफ़ाई करते करते, लेकिन बस 2 मिनट की देरी होती है फिर सारा गंदा हो जाता है। तो जितनी भी सफाई करो, जो पेट्स पालते हैं उनको पता होगा कि जितनी भी सफाई करो कम पड़ जाती है, क्योंकि हर दो मिनट बाद ये गंद कर देते हैं। इनका यही काम है गंद करना और हमारा यही काम है साफ़ करना। तो यार सफाई करने में ना मुझे बड़ी मौत आती है। आप लोग बताएं आप लोगों को ज़्यादा काम क्या मुश्किल लगता है पेट्स के पालने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं तो ये मुर्गी खोल कर नहीं गया था, शायद ये हवा से खुल गई हो। और इसका एक चूज़ा भी अंदर ही है, इसको भी खोल लेते हैं, आगे भी इंजॉय करें बाहर। यार भाई साहब, भाई इस मुर्गी का मुँह तो चेक करे। यार मुझे लगता है ना ये मुर्गियाँ लड़ गई आपस में, इसका मुँह देखे, पूरा इसका मुँह सूज गया यार। शिट, ये मुर्गी में मैं ये वाली मुर्गी खोल कर गया था, क्योंकि ये मुर्गी ज़्यादातर बंद रहती है, तो इसको देखते हैं। ओह उसका भी हाल ख़राब है भाई। यार मैं इसको खोल कर गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैंने इसको खोला, लेकिन इस केस का ना गेट खुल गया गलती से, वो भी आ गई और ये दोनों काफ़ी लड़ पड़े। तो यार कल भी लड़े थे लेकिन मैंने छुड़ा लिया था, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा लड़ गए यार, चेहरा बहुत ख़राब हो गया। अभी इनका ना मैं चेहरा साफ़ करता हूँ यार, वरना ज़ख़म बन जाएंगे इनके चेहरे पर। ये देखें यार बहुत बुरे लड़ते हैं यार, समझ नहीं आती मुझे इनकी। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन यार ये कि आपस में ना एक दूसरे के साथ बड़े जंग करते हैं यार। अब मैं क्या करूँ? और मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन यार हफ्त बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इनका पानी ख़त्म हो गया है, मैं इनके लिए आज फिर मेडिसिन लेकर आया हूँ, ताकि मेडिसिन पिलाऊँ जो इनको गर्मी लगी है, वो गर्मी ख़त्म हो जाए इनकी। हमारी ये वाली जो कबूतर है बीमार है, और हमारा जो एक चूज़ा है ये वाला, ये भी काफ़ी ढीला है, कल भी ढीला था लेकिन आज थोड़ा बहुत सेट है। तो आज हम दोबारा इनको मेडिसिन खिलाएंगे ताकि पूरा रिकवर हो जाए। तो मुर्गियाँ तो लड़ी लड़ी है, लेकिन हमारा चूज़ा ये वाइट वाला, ये देखिए यार ये भी लड़ गया। ये भी किससे लड़ा है समझ नहीं आ रहा मुझे यार। ये चूज़े ना असली, इनमें यही मसला होता है कि यार आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका मुंह देखें और इसको चेक करें यार, ये बड़ा फ्रेंडली है, ये मुझ पे आके ना सर पे आके बैठ जाता है। तो मुझे लगता है ना ये इस वाले से लड़ा है, ये वाला ना ब्लैक वाला बड़ा, इससे हल्के हल्के जख्म, हाँ इससे ही लड़ा है, लेकिन यार ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा मारा है उसको। यार ये इसका काम चेक करें, मैं जहाँ बैठता हूँ पीछे आता है, डर है कहीं आँख में नहीं मार दे यार, ये आँख में अक्सर मार देते। ये ज़रा फ्रेंडली देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए डरता नहीं है मेरे से, बाकी सारे डरते हैं, मगर ये खुद मेरे पास आता है। देखिए अभी खुद आ गया, देखिए ये देखिए, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, अरे आ जाओ, ये क्यों डर रहे हो यार? ये भी डर रहा है मुझसे थोड़ा, वरना यार देखिए जैसे होता है ना हैंड टाइम तोता होता है, तोते की तरह बैठ गया माशाल्लाह यार। ये सबको भूख लगी है, इनको थोड़ा मागड़ा खिलाते हैं। हाँ 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 हाँ
हाँ वाह, तुम लोग भी आओ सारे मिलजुल के। यार मैं चाहता हूँ कि मिलजुल कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको थोड़ा खोल के गया था। ये देखिए ये मुर्गी भी चूहे कमा रही है। अब इसकी माँ आ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब इसकी माँ आ गई ना तो उसके फिर बहुत मारेगी उसको भाई। चूज़ा बेचारा बहुत भूखा है, उसको उसकी माँ के पास छोड़ते। इनको फीड खिलाता हूँ मैं, तो इनको बाजरा नहीं खिला सकता क्योंकि बाजरा खिलाऊँगा तो इनकी ग्रोथ रुक सकती है, तो इसीलिए मैं फीड बना के देता हूँ। सारे ही परिंदे अपने झाड़ खा रहे हैं, मगर जो हमारा जो डक आया है नया नया, ये थोड़ा कंफ्यूज है यार। ये बाजरा नहीं खा पा रहा क्योंकि बाजरा सख्त है, तो इसको मैं गीला बाजरा खिलाता हूँ, शायद ये खा ले। और इसको मैं केस मेरे से बंद करूँगा क्योंकि यार ये मुर्गियाँ जो है ना यार, ये बहुत ये शैतान हो गए सारे के सारे। ये छोटे भी ना बड़े शैतान है यार, ये जाके तंग करते हैं उसको तो वो और भी डरता है। मुर्गी तो उसको मारती मारती है, लेकिन ये जो छोटे ना हमारे ये बदमाश जो है, ये तीन बदमाश जो है, 1 2 3, ये तीनों बदमाश बाकी बदमाशियाँ कबूतरों को भी मारते हैं और बत्तों को भी मारते हैं और छोटे चूज़ों को भी मारते हैं। मतलब इन्होंने सेटअप पे अपना राज जमा लिया भाई। ये नहीं चाहते कि इनके आगे कोई भी खाए पिए, तो मैं भी डक को ना केज में बंद करके उसको खिलाता हूँ, शायद ये वहाँ आराम से सुन से खाएं। यार इनके काम चेक करो, उन बच्चों के लिए मैंने फीड रखा वहाँ पे, इन्होंने उसको मार के ना सारा खुद खा लिया। मुर्गी भी खोलूँगा तो सारे भाग जाएंगे फिर। ये यार बेचारे फीड खाते हैं, वो छोटे हैं तो वो थी उन बड़ों को देखे कैसे जंगलों की तरह खा रहे हैं, उन बच्चों को खाने नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से खैर इन्होंने अच्छा खासा खा लिया है, छोटे तो इनको माशाल्लाह काफ़ी फुल हो गया, तो छोड़ते हैं इनको, इनको खाने देते हैं यहीं पे। इनके लिए मैंने रोटी रखी है, इनको रोटी भी खिलाते हैं और अपने किंग और क्वीन को भी खोल लेते हैं ताकि ये भी थोड़ी घूम कर लें। आ जाओ किंग, आ जाओ किंग, चलो शाबाश किंग, तुम भी आ जाओ बाहर, निकलो बाहर निकलो दोनों। किंग चुटकी बना के दिखाओ, माशाल्लाह हमारा किंग जो चुटकी में नाचता है, लेकिन अभी ना थोड़ा मूड में नहीं है, सुबह के टाइम होते हैं। मुर्गी के सामने तो इसलिए नहीं कर रहा, वरना माशाल्लाह हमारा किंग जो है ना पूरी चुटकी में नाचता है। किंग अपनी गेंद को छोड़ के इससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो किंग यार बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, यार बहुत खिलेंगे इसमें। इसकी टेल देखिए कितनी लंबी टेल है माशाल्लाह। इनके लिए मैंने रखी थी भिगो के, छुपा के रख दी थी मैंने, क्योंकि बदमाश जो है ना सारी खा लेते हैं, तो भी रोटी खिला के यहाँ रखते हैं ताकि सारे मिल जुल कर खा। वाह 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 वाह, सारे आ जाओ 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 आ जाओ, सारे खाओ। यही रोटी बड़े छोड़ के खाते यार, हमारा जी है ना डस, इसको थोड़ी रोटी खिलाई मैंने, मगर यार थोड़ा घबराया हुआ है, तो ये रोटी कम खाइए, मगर फिर कभी नहीं के खाने का। यही रखते हैं ये जो आइए, ये वहाँ रखते हैं, जो बच्चे वाली मुर्गी वो खा लेगी। ये बच्चे वाली मुर्गी के लिए रख देते हैं ताकि इन लोग भी आराम से खाएं, रोटी शौक से खाते हैं, बाजरा इतने शौक से नहीं खाते, तो उनको रोटी खिलाते हैं ताकि खा लें। तो काफ़ी दिन के बाद तैमूर पेट लवर आ गया है। हाँ भाई तैमूर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, आप बताओ। शुक्र अल्लाह, क्या बात, इतने दिन बाद आ रहे हो? यार मंडी सेशन बना बना के थक गया था, मैंने बोला कुछ टाइम थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज भी अपना सेटअप भी मैं बहुत जल्दी तैयार करने वाला हूँ, इंशाल्लाह 3-4 दिनों में सेटअप तैयार कर लूँगा मैं। तो माशाल्लाह तैमूर के 3000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तैमूर भाई। थैंक यू, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, जो अब मेरे जितने जल्दी आप लोगों ने मेरे कराए थे जल्दी आप उमेर की भी करवा दें। तो यार मेरा भी, मैंने क्या बिगाड़ा, आप लोग क्या मेरे भी करवा दो, मेरे तो भी मुश्किल से 800, बड़ी मुश्किल से 800 हुए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, तैमूर भाई के बड़े, तो मैं चाहता हूँ मेरे भी ऐसे ही बड़े। और बाकी तैमूर भाई अपना सेटअप बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं इसके सेटअप पर जाने वाला हूँ, अभी बिफोर आफ्टर मैं दिखाऊँगा आपको, कल या परसों, संडे को फ्री हो गया ना, तो संडे को मैं चक्कर लगाऊंगा इनके सेटअप पे। सारे परिंदे अपना दाना खा लिए, कबूतर भी खा पी कर यहाँ बैठ गए, एक उड़ रहा है, बाकी सारे नीचे बैठे हुए हैं और तकरीबन सारे पेट फूल करके बैठे हुए। तो इस लोग को भी यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल UK पेट वर्क को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।